अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। बात अगर हरियाणा के पानीपत की करें तो पानीपत के लोग भी इस सेलिब्रेशन से अछूते नहीं है। एक बड़ी जानकारी पानीपत से, पानीपत में आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भव्य शोभा यात्रा का आगाज आज शाम को पानीपत में होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसमें शामिल रहेंगे और काफी अहम ये शोभा यात्रा और काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि लोगों का उत्साह इसमें देखने को मिलेगा। लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं कल की तारीख से प्राण प्रतिष्ठा से। कल देखने को मिलेगा कि अयोध्या में रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उससे पहले हरियाणा के लोगों में कितना उत्साह है ये आज देखने को मिलेगा पानीपत की शोभा यात्रा में। मशहूर गायक कैलाश खेर भी आज पानीपत में पहुंचेंगे शाम के समय, उनका भी कार्यक्रम पानीपत में रहेगा और काफी महत्वपूर्ण शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में एक बहुत बड़ा जन सैलाब राम भक्तों का शोभा यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। समझता हूँ कि ये सब लोगों ने ही अपनी जिम्मेवारी लेकर, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, एनजीओस थे, एसोसिएशन थी, बार एसोसिएशन है, व्यापारियों की एसोसिएशन है, इंडस्ट्री की एसोसिएशन है, शिक्षण संस्था, सब लोगों ने इस कार्यक्रम को ऑन करके अपना आज सारा, मुझे लगता है कि पूरा ये क्षेत्र जहाँ भी नजर दौड़ा राममय हुआ हुआ है और सब लोग मिलकर खुशी मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ सभी राजनीतिक दलों के नेता भी सब लोग यहाँ पर उपस्थित रह के इस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। प्रभु राम करेंगे, वो करेंगे। बड़ा बड़े कुंभ के मेले लगते हैं, वो भी प्रभु कृपा से सब मेंटेन होते हैं। यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, अनुशासित हैं, सब अनुशासन में चल के इसका उत्सव को आनंद के साथ जैसे दिवाली दशहरे को मनाते हैं वैसे ही मनाते हैं। मुख्यमंत्री जैसे ही यात्रा समापन की ओर होगी तो उसके लास्ट पॉइंट के ऊपर कैलाश खेर जी का वहां पर भजन संध्या है और वहीं मुख्यमंत्री जी रहेंगे। वैसे समझता हूँ कि ये सब लोगों ने ही अपनी जिम्मेवारी लेकर, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं थी, एनजीओस थे, एसोसिएशन थी, बार एसोसिएशन है, व्यापारियों की एसोसिएशन है, इंडस्ट्री की एसोसिएशन है, शिक्षण संस्था, सब लोगों ने इस कार्यक्रम को ऑन करके अपना आज सारा, मुझे लगता है कि पूरा ये क्षेत्र जहाँ भी नजर दौड़ा राममय हुआ हुआ है और सब लोग मिलकर खुशी मना रहे हैं।